तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, दर्दनाक खबर के साथ, जो सवाल खड़ा कर रही है पूरे सिस्टम पर। जी हां, 24 घंटे के अंदर 3 बच्चों की मौत हुई। बच्चों की मौत पर सीएम गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री अब बैठक कर रहे हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जिनका संसदीय क्षेत्र है कोटा, वो भी सीएम गहलोत से बात कर चुके हैं। लोकसभा स्पीकर ने सीएम गहलोत से बात की है। गहलोत ने इस मामले पर रिपोर्ट कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी सौंपी है। तो अब कागजों में बहुत कुछ हो रहा है, बैठकों का स्तर देखने को मिल रहा है अलग अलग, लेकिन इन सब के बीच जो मौत का आंकड़ा है नौनिहालों का राजस्थान के कोटा में, वो बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के कोटा से वो खबर आई है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। कोटा में मासूमों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। कोटा में पिछले 24 घंटे के अंदर 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। पिछले 3 दिन की बात करें तो 13 बच्चे बीमारी से दम तोड़ चुके हैं। 32 दिनों में यह मौत का आंकड़ा बढ़कर 103 हो चुका है। न्यूज नेशन ने इस खबर को दिखाया तो दिल्ली से लेकर जयपुर तक सभी की नींद टूटी। एक ओर जहां राजस्थान प्रभारी को सोनिया गांधी ने तलब किया, तो वहीं दूसरी ओर कोटा के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात कर मामले की जानकारी ली। 3 तस्वीरें आपके सामने राजस्थान के कोटा की, जो बड़ा सवाल खड़ा कर रही है पूरे सिस्टम पर। गम है, गुस्सा है, चेहरे पर उदासी है और उस सरकार से नाराजगी भी जिसे चुनकर सूबे का मुस्तकबिल सौंपा था। किसी का बच्चा अस्पताल में भर्ती है तो किसी की 4 दिन पहले ही जन्मी बेटी अस्पताल की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। अस्पताल के बाहर जो भी लोग जमा है वो बस भगवान से अपने बच्चों की सलामती की दुआ कर रहे हैं। कोटा के अस्पताल में भर्ती बूंदी जिले के हंदीखेड़ा निवासी पार्वती बाई ने 4 दिन पहले ही एक बेटी को जन्म दिया था। उसकी भी जेके लोन अस्पताल में मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर अनदेखी और बदइंतजामी का आरोप लगाया। ना कम्बल मिले, आज मिले कम्बल भी मिले तो, पर भेजने के बाद में भी हमारे को ना क्या नाम से टाइम से कम्बल नहीं दिया, कम्बल भी नहीं दिया हमारे को, फिर बाद में लड़ते लड़ते कम्बल दिया है। ऐसी लापरवाही कर रहे हैं डॉक्टर साहब। कोटा के जेके लोन अस्पताल के बाहर मातम पसरा है तो अस्पताल के अंदर मासूमियत दम तोड़ रही है। बच्चों की मौत का सिलसिला रुक नहीं रहा है, जिसने राजस्थान के साथ साथ पूरे देश को झकझोर दिया है। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। अस्पताल के अंदर भारी भीड़ है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बस वक्त के साथ साथ मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, जिससे अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिवार के चेहरों की हवाइयां उड़ी हुई है। जेके लोन हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं की एक और तस्वीर आप देखिए। ये ऑक्सीजन बच्चे के लगा रखी है और उसके परिजन ही खुद ही सिलेंडर को केयर कर ला रहे हैं। तो ये खुद ही लाए होगा? हाँ, सिलेंडर भी आधा वहाँ ही खाली होगा, दूसरा चेंज करके लाया। सिलेंडर में गैस थी या नहीं थी ऐसे ही लगा दे, वहाँ दोबारा दूसरा चेंज गया वहाँ जाके। सिलेंडर नहीं तो वहाँ चेक के लिए खनाया था यहाँ से। आप खुद ही लेके गए चेक के? हाँ, वो साथ खनाया था पर सिलेंडर, हाँ सिलेंडर उन्होंने ना उठाया, जो खनाया था ना मैडम ने साथ में, उसने ना उठाया। परिजन खुद गैस सिलेंडर को केयर कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर को, लेकिन इनको नहीं पता कि गैस ज़्यादा भी जा सकती है कम भी जा सकती है। अगर मान लो इस दौरान इसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये परिजन कैसे इस मासूम को बचा पाएंगे? क्या यूं ही सरकारी अस्पताल की लापरवाही की भेंट बच्चे चढ़ते रहेंगे? क्या यूं ही बच्चों की जिंदगी बदइंतजामी लीलती रहेगी? क्योंकि शहरों के नाम बदल रहे हैं लेकिन अस्पतालों के हालात एक जैसे ही हैं। कभी गोरखपुर में बच्चों की मौत हो जाती है तो कभी पटना का PMSH अस्पताल। आखिर कब सुधरेंगे सरकारी अस्पतालों के हालात? कोटा से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।